Assalamualaikum everybody, this is your host Talab from Talab News YouTube channel. Guys, welcome to mega comparison of Poco M3 versus Infinix Note 8. अब ये बहुत बड़ा question mark बन चुका है कि Infinix Note 8 या फिर Poco M3 में से कौन सा फोन बाय करना चाहिए, कौन सा वैल्यू फॉर मनी है या नहीं. सो आज का कंपैरिजन इसीलिए है कि आपका डाउट क्लियर कर दिया जाए, आप एक अच्छा फोन बाय कर सकें और अपने पैसों का सही इस्तेमाल कर सकें. सो वीडियो के एंड तक देखना, लाइक एंड शेयर जरूर करना, बिकॉज एक एक चीज क्लियर करूंगा. लेकिन यार उससे पहले चैनल पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जाकर ऑल पे क्लिक कर देना ताकि मेरी वीडियो की सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ. तो स्टार्ट करते हैं. भाई देखो, पोको M3 ऑफिशियल हो गया है पाकिस्तान में, तकरीबन प्री ऑर्डर स्टार्ट है. आप ऑफलाइन में शाओमी के ऑफिशियल स्टोर पे जाके प्री ऑर्डर कर सकते हो इस फोन को. लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि इसकी प्राइस कितनी है, और प्राइस तकरीबन लोगों को पता चल चुकी है. जो प्राइस आएगी वो भी मैं आपको बताता हूँ. और उसके बाद जो इन्फिनिक्स का नोट 8 है उसकी प्राइस है 30,000. लेकिन जो पोको M3 के 4GB प्लस 128GB वाले वेरियंट की प्राइस रखी जाएगी वो मैक्सिमम 25,000 होगी या फिर 26,000 होगी. तो पहले स्पेक्स की तरफ देख लेते हैं, फिर बात करते हैं कि कौन फोन बेस्ट है और वैल्यू फॉर मनी है. सो भाई पहले बात करता हूं पोको M3 के डिस्प्ले की, जहां पर आपको साइज देखने को मिलता है 6.53 इंच का FHD प्लस रेजोल्यूशन के साथ, वाटर टॉप नॉच के साथ, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है, अप टू 400 निट्स पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी आपको. अब दूसरी तरफ बात करते हैं इन्फिनिक्स नोट 8 की. अब डिस्प्ले इनका भी कम नहीं है, बट एक ऐसी चीज कम है जो कि मेन चीज होती है डिस्प्ले में, जिसका नाम है रेजोल्यूशन. खैर 6.95 इंच का डिस्प्ले है जो कि IPS LCD पैनल वाला है, डुअल पंच होल के साथ आता है, मेन कैमरा 16 मेगापिक्सल का फ्रंट पे, उसके बाद 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, और यहाँ पर किसी भी किस्म की प्रोटेक्शन नहीं दी गई. उसके अलावा 720 पिक्सल के रेजोल्यूशन है, तो ये चीज डाउनग्रेड में सिंपल सी चली जाती है. आप देखो एक फोन तकरीबन मैक्सिमम 25-26,000 की प्राइस में आ रहा है, दूसरा फोन 30,000 में आ रहा है, लेकिन रेजोल्यूशन का डिफरेंस है. और अगर आप वीडियोस देखना पसंद करते हो सोशल मीडिया के ऊपर, तो आई थिंक पोको बेस्ट रहेगा डिस्प्ले के मामले में. और अगर बैक की बात करें या फिर बैक डिजाइन की बात की जाए, डिजाइन दोनों फोन के लेवल हैं. पोको ने भी एक नया डिजाइन दिया है, इन्फिनिक्स ने भी एक नया डिजाइन दिया है. लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए पोको की, तो पोको में आपको बैक पर देखने को मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप, जहाँ पर मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, उसके बाद 2 का मैक्रो 2 का डेप्थ सेंसर. और अगर दूसरी तरफ बात की जाए इन्फिनिक्स नोट 8 की, इस फोन के कैमराज ही हाईलाइटिंग फीचर है. जी हाँ, यहाँ पर बैक पर क्वाड कैमरा सेटअप है, मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, उसके बाद 2, 2 और 1 है ही नहीं, तकरीबन होता है लेकिन वर्किंग में नहीं होता, जिसको ये लोग बोलते हैं या AI लेंस या फिर QVGL लेंस. अब यहाँ पर डाउट ही आता है लोगों को कि कौन सा फोन कैमरास के लिए बेस्ट है. देखो कैमरास के मामले में इन्फिनिक्स के ऊपर इतबार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े स्कैम करते हैं कैमरास के अंदर, ठीक है. तो इस मामले में मैं आपको, ये मेरी सजेशन है कि मैं आपको रिकमेंड करता हूँ पोको. अब देखो ये तो कोई पेड वीडियो है नहीं, बिकॉज मैं रेडमी का फोन यूज करता हूँ, तो पोको इनका सब ब्रांड है, कैमरास के मामले में एक बेस्ट डिवाइस है. लेकिन अगर आप इन्फिनिक्स नोट 8 को बाय करते हो, तो एक सोचने वाली बात है कि 35,000 की प्राइस में इन्हीं का फोन अवेलेबल है जिसमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन 30,000 में ये 64 मेगापिक्सल क्यों दे रहे हैं, ये भी तो सोचो ना. मतलब कि इनका दिमाग तो खराब नहीं है. सिंपल सी रीजन है, एक फोन 35,000 का है, वो भी इन्हीं की कंपनी का है, लेकिन उसमें स्पेक्स अच्छे हैं, बट उसमें जो कैमरा है वो 14 मेगापिक्सल का है. लेकिन ये फोन जो है 30,000 में स्पेक्स थोड़े से डाउन है, लेकिन इस फोन में आपको जो कैमरा मिल रहा है वो 64 मेगापिक्सल का मिल रहा है, तो सोचने वाली बात है. अब देखो कैमरास के मामले में फिर भी हाँ ठीक है, अगर कैमरास बेस्ट है इन्फिनिक्स नोट 8 का, अभी मेरे पास कल या फिर परसों आ जाएगा इंशाल्लाह अनबॉक्सिंग कंपैरिजन हर चीज़ आएगी उसके फोन की, टेस्टिंग वगैरह, तो सब्सक्राइब कर सकते हो. तो नोट 8 के कैमरास हम फिलहाल ये मानकर चलते हैं कि बेस्ट कैमराज है, और दूसरी तरफ जो पोको है उसके भी कैमराज बेस्ट है. बट यहाँ पर बात आती है तो नंबरिंग की, लोग ज्यादातर इसी चीज को देखते हैं, तो फिलहाल कैमराज के मामले में इन्फिनिक्स बेस्ट है. अब अगर बात की जाए इन फोन की स्टोरेज को लेकर, तो देखो पोको में जो 4+128GB वाला वेरियंट है उसमें आपको जो स्टोरेज टाइप देखने को मिलती है वो UFS 2.2 है. दूसरी तरफ इन्फिनिक्स की बात करें, वहां पर आपको 6GB 128GB का वेरियंट देखने को मिलता है 30,000 की प्राइस में, जिसमें स्टोरेज टाइप है जी EMMC 5.1. अब सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि जो UFS स्टोरेज होती है वो नॉर्मली प्राइस टैग में कम ही यूज की जाती है, लेकिन ये एक बेस्ट स्टोरेज है जिसकी रीड एंड राइट स्पीड कमाल की होती है बतौर EMMC 5.1 स्टोरेज टाइप के. तो इस स्टोरेज टाइप में जो इसकी 4GB रैम है, जो इन्फिनिक्स की 6GB है, ये 4GB उसको टक्कर दे सकती है, सिंपल है. प्रोसेसर की बात करें, पोको में स्नैपड्रैगन का 662 आता है, दूसरी तरफ इन्फिनिक्स नोट 8 में मीडियाटेक का हीलियो G80 आता है. अब हाँ G80 एक अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन जो 662 है इसकी कस्टमाइजेशन, इसकी रैम मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और ये 665 से थोड़ा सा बेहतर है. प्रोसेसर्स के मामले में बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन है.
तो जो पोको के ग्राफिक्स हैं पबजी में कम हैं बतौर मीडिया टेक हीलियो G80। तो अगर आप एक पबजी के लिए फ़ोन लेना चाहते हो तो आप आई एम श्योर के इन्फिनिक्स नोट 8 की तरफ जा सकते हो। उसमें कैमराज भी अच्छे हैं लेकिन उसमें डिस्प्ले में रेजोल्यूशन कम है। अभी पूरी वीडियो देख लो फिर क्लियर करता हूँ कि कौन सा बाय करना है, भाग नहीं जाना। सो यार अगर तो वीडियो लग रही है अच्छी बोस्ट लाइक कर देना एंड कमेंट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि 10,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। सो जल्दी से करवा दो और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। तो भाई प्रोसेसर्स की बात आती है, प्रोसेसर मैंने आपको बता दिए फोन में कौन से आते हैं, बाकी आगे चल के बात करते हैं। अब अगर बात करें एंड्रॉइड वर्जन को लेकर, दोनों फोन एंड्रॉइड OS 10 के ऊपर आते हैं लेकिन दोनों में इन्हीं के अपने अपने ब्रांड्स के लेटेस्ट UI हैं। पोको में MIUI 12 आता है जिसकी कस्टमाइजेशन लेवल है बिकॉज मेरे फ़ोन में भी वही है, और इन्फिनिक्स में आता है इनका iOS आई थिंक 7.0 या 7.2 जो भी है। उस फोन में ब्लोटवेयर एड्स प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स पता नहीं क्या कर भर भर के दिया हुआ है, जिससे अपने फ़ोन से ज़्यादा पैसे तो इस चीज़ से ये कमा लेते हैं। लेकिन अगर आपको एक क्लीन UI चाहिए और अच्छा UI चाहिए जिसके साथ आपका एक्सपीरियंस बेटर रहे तो आप आई थिंक पोको के UI की तरफ जा सकते हैं जो कि रेडमी का ही है। और अगर बात करूँ लास्ट पे बैटरीज को लेकर, फास्ट चार्जिंग को लेकर, पोको की बात की जाए पोको में आती है 6000 mAh की बैटरी विद 18W फास्ट चार्जिंग टाइप सी कनेक्टिविटी। अगर बात करूँ इन्फिनिक्स की तो इसमें आती है 5200 mAh की बैटरी विद 18W फास्ट चार्जिंग टाइप सी कनेक्टिविटी। आपकी जो कन्फ्यूजन है कि आप कौन सा फ़ोन बाय करें, एक फ़ोन आपको मिल रहा है 25,000 से 26,000 की प्राइस में, एक फ़ोन मिल रहा है 30,000 की प्राइस में, लेकिन स्पेक्स में किसी में प्रोज हैं तो किसी में कौनस हैं। मुझे पता है कि आप लोग टोटली कन्फ्यूज़ हैं, तो मैं भी कंफ्यूज हूँ। बहरहाल मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा बाय कर लेना चाहिए, कौन सा बेस्ट है। अब देखो पोको की प्राइस अगर 26,000 आती है तो आफ्टर डिस्काउंट 24,000 या फिर 24,500 का तो मैक्सिमम मिल जाएगा, और जो इन्फिनिक्स नोट 8 है वो भी मैक्सिमम 28,000 तक मिल जाएगा। 2,000 के डिस्काउंट तो आजकल नॉर्मल है ऑफलाइन में। तो अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 28,000 का फ़ोन ले सकते हो, थोड़ी रेजोल्यूशन वाला, उसके ऊपर आप गुजारा कर सकते हो। देखो वो फ़ोन बहुत अच्छा है नोट 8, ठीक है कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो रेजोल्यूशन है वो मात दे जाती हैं। लेकिन जो पोको है, पोको की स्पेसिफिकेशन भी ऑलमोस्ट बेस्ट हैं, ठीक है लेकिन पबजी में थोड़े से ग्राफिक्स डाउन है, लेकिन आप COD जो है वो अच्छे ग्राफिक्स के ऊपर खेल सकते हो। और ये फ़ोन जो है बड़ी बैटरी के साथ आता है, ठीक है ये चीज़ भी आपके लिए बेहतर है। FHD+ डिस्प्ले के साथ आ रहा है और बैक पे जो कैमरा है वो 48 MP का है। अब एक सिंपल सी बात है, इट इज़ डिपेंड्स ऑन योर माइंड, क्योंकि अगर तो आपके पास पैसे हैं, आप 28,000 लगा के एक अच्छे डिज़ाइन वाला फ़ोन लेना चाहते हो, फ़ोन बेस्ट है इन्फिनिक्स नोट 8, ठीक है तो आप उसको बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बजट कम है लाइक 24,000 है, लेकिन आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो कि कमाल की स्पेसिफिकेशंस के साथ आता हो और इस बजट में इसका कोई कॉम्पिटिशन ना हो, तो वो पोको M3 ले सकता है। अब सिंपल सी बात है, अगर आपके पास 28,000 है आप 28,000 में नोट 8 ले लें, बेस्ट डिवाइस है। लेकिन अगर आपके पास बजट कम है तो आप बजट कम में एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस हो और जो कि आपके 2 साल मैक्सिमम निकाल दे आसानी से, कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको पूरे मज़े दे, तो आप पोको M3 की तरफ जा सकते हो जो कि बेस्ट डिवाइस होने वाली है। अनबॉक्सिंग इंशाल्लाह कोशिश तो ये प्री ऑर्डर करके आपको दे दूँ और सारी टेस्टिंग करेंगे। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, तो या फिर कोई चीज़ रह गई है जिसके बारे में आप मेरे से पूछना चाहते हो तो भाई मेरा एक इंस्टाग्राम हैंडल भी है जिसका नाम है तलहा रिव्यूज़, सो उधर जाके फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। तो यार अगर तो वीडियो लगी है अच्छी लाइक करके जाना, शेयर करके जाना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।